ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष बुधवार तृतीया तिथि दिन में 4:10 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज चित्रा नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मजबूत शरीर वाले, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों को धारण करने वाले, बलवान स्पष्टवादी और साहसी होते हैं। ऐसे जातक उद्यमी तेज मिजाज वाले, हास्य प्रिय, व्यवहारिक, तर्क प्रधान, नेतृत्व करने की क्षमता वाले, अनुभवी तथा शत्रुओं पर अचानक आक्रमण करने की प्रवृत्ति रखने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल बुध और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज 1:30 तक कन्या राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज चंद्रमा की युति बृहस्पति और शुक्र के साथ अब से 2.5 तक बनी रहेगी। क्योंकि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में है और शुक्र राहु के नक्षत्र में, इसलिए इसका मिला जुला प्रभाव प्रत्येक जातकों के अपने अपने कारकों और महादशा के अनुसार पड़ता रहेगा। पूरे दिन में प्रबल उत्साह की स्थिति में उतार चढ़ाव, मानसिक भ्रम और सहयोग मिलने में भी उतार चढ़ाव की संभावना बनती है। हालांकि इसका मिला जुला असर प्रत्येक जातकों पर सकारात्मक प्रभाव में ही बना रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, मनः स्थिति में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हरि तालिका तीज मनाई जाती है। इस वर्ष यह त्यौहार आज ही मनाया जाएगा। यह व्रत माताओं और बहनों का त्यौहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए निराहार रहकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन ऐसी भी कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई है या शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, वे भी योग्य वर की प्राप्ति है तो इस व्रत को पूरे नियम और धर्म और आत्मविश्वास के साथ कर सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 बार इस व्रत को किया था। तत्पश्चात भगवान शंकर प्रसन्न होकर माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किए। इस दिन सुबह से पूजा करने का मुहूर्त शाम 4:10 तक बना रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के उद्देश्य से आज का दिन बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों बढ़ा रहेगा। हर काम आसानी से संपन्न होंगे। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, मगर दोपहर के बाद साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। दोषारोपण की संभावना, भ्रमात्मक स्थिति का उतार चढ़ाव, माँ के स्वास्थ्य की चिंता और याददाश्त में कमजोरी संभावित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी व संतान संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे। साथ ही पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मानित किए जाएंगे। वृष राशि के राशि स्वामी शुक्र राहु के नक्षत्र में चंद्रमा और बृहस्पति के साथ 6वें भाव में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना चाहिए और मन अनावश्यक रूप से भयग्रस्त रहेगा। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के राशि स्वामी बुध सिंह राशि में सूर्य के साथ चल रहे हैं। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव के साथ नए अनुभव प्राप्त होंगे। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर निर्णय लेने में परेशानी महसूस होगी। हालांकि आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गुरु और शुक्र की युति 5वें घर में नए आयाम स्थापित करेगी और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सकारात्मक प्रेरणा में महिला वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आज का दिन सफलता भरा रहेगा। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। रुके हुए काम चालू होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बनता है, मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के पहले ले लेने चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कमर व पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं, सावधानी अपेक्षित है। सिंह राशि के जातकों के सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। गुरु चंद्रमा और शुक्र का योग आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल जारी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और मनोस्थिति को संतुलित रखें। तुला राशि वाले जातकों की रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा, मगर मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है, मगर आत्मविश्वास में कमी, अपव्यय और अनावश्यक चिंता भी संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। धनु राशि के जातकों के आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, मगर वाणी की मृदुलता बनाए रखें। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी। भाग्यवश काम पूरे होंगे और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए दिन भर का समय कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश और सहयोगियों के साथ बीतेगा। अपनी योजनाओं का नेतृत्व सफलतापूर्वक ढंग से करते रहेंगे। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। साझेदारी में अतिरिक्त आय संभव है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य और संतान संबंधी चिंता प्रभावित कर सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है और कुछ कामों में भ्रम और रुकावट की संभावना भी बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियों में तनाव के साथ साथ भावनात्मक लगाव बना रहेगा
और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भाग दौड़ वाला बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है, मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। चंद्रमा शुक्र व बृहस्पति के साथ आठवें भाव में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव और उत्साहहीनता की स्थिति संभावित है, मगर आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।